नेक्स्ट इज अवर सेकेंड एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू एग्जाम्पलर की शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विद रीजनिंग सैंपल क्वेश्चन वन राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर्स तो आपको ट्रू फॉल्स बताना है और रीजन्स भी देने हैं फर्स्ट इज एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स इज अ लीनियर इक्वेशन ठीक है जी ये क्या है ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स ठीक है टू वेरिएबल्स में ये लीनियर इक्वेशन है तो देखने में बिल्कुल ट्रू लग रही है उसकी डेफिनेशन में छोटी सी चीज़ मिसिंग है इसमें ये क्या मिसिंग है कि ए रियल नंबर्स में जीरो भी आ जाता है ए और बी दोनों जीरो हो सकते हैं जबकि डेफिनेशन कंप्लीट करता है कि ए और बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए तो अगर ये कंडीशन दी होती तो ये ट्रू था अदरवाइज ये फॉल्स है नीचे देखो लिखा हुआ है फॉल्स बिकॉज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इफ बोथ ए एंड बी आर नॉन जीरो तो ये हमने जस्टिफिकेशन दे दी कि ए और बी जो है वो नॉन जीरो अगर होते तब होती है ट्रू तो इस केस में क्योंकि नहीं दिया हुआ है तो ये फॉल्स है नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट क्या बोल है अ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन तो लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन तो होता ही नहीं है अगर दो वेरिएबल्स में क्योंकि ये दो वेरिएबल्स में एक्स और वाई तो इसके कितने सोल्यूशन होते हैं इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं तो ये भी फॉल्स है जस्टिफिकेशन ने दे दी कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं थर्ड ऑल द पॉइंट टू जीरो माइनस थ्री जीरो फोर टू एंड जीरो कॉमो फाइव लाई ऑन एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं देखो ये दोनों तो कर रहे हैं क्योंकि वाई जीरो है इनमें y का कोऑर्डिनेट तो ये दोनों तो x एकस एक्सिस पे है ये नहीं कर रहा फोर टू ये कहाँ करेगा ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा कहीं फोर टू दोनों पॉजिटिव हैं और जीरो फाइव तो y वे y एक्सिस पे पड़ेगा ठीक है तो टू ज़ीरो माइनस थ्री ज़ीरो अंदाजन आपके यहाँ पड़ेंगे सपोज x एक्सिस पे फोर टू आपका कहीं यहाँ पड़ रहा है अगर ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ज़ीरो फाइव आपका यहाँ y एक्सिस पे पड़ेगा तो क्या हो गया फॉल्स हो गया जस्टिफिकेशन में आप ये दे सकते हैं कि यह एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा और एक वाई एक्सिस पे पड़ेगा ओके okay. नेक्स्ट इसको थोड़ी नीचे लेके चलते हैं फोर्थ और फिफ्थ पार्ट के लिए फोर्थ पार्ट कहता है द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस फोर यूनिट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है एट अ डिस्टेंस फोर यूनिट्स है टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस इज़ गिवन बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस फोर तो ये ट्रू है ठीक है क्यों ये ट्रू है क्योंकि हमने फोर्थ एक्सरसाइज में देखा था एन सी आर टी की कि x इज इक्वल टू माइनस फोर जो होता है वो ये पॉइंट होता है माइनस फोर ज़ीरो टाइप का जब इसे चेक, दो क्वाड्रेंट्स में कार्टिजन प्लेन में करते हैं तो यहीं पे पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन आ जाती है ठीक है जी तो x इज इक्वल टू माइनस फोर की ये लाइन है जिसको याद नहीं है वो आप इस पर इसको x प्लस जीरो वाई इज इक्वल टू माइनस फोर डालेंगे एक्स वाई की जो मर्जी वैल्यू डालिए आप वाई की आप जो मर्जी वैल्यू डालिए ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी जीरो ही रहेगी और एक्स की वैल्यू हमेशा माइनस फोर रहेगी तो अगर आप वन डालेंगे या टू डालेंगे तो भी क्या होगा माइनस फोर तो माइनस फोर ज़ीरो माइनस फोर टू दोनों को ज्वाइन करो आपकी कार्टिजन प्लेन में लाइन आ गई ठीक है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर से ये जो डिस्टेंस है इसका वाई एक्सिस से हमेशा क्या रहेगा फोर यूनिट्स रहेगा ना यही बोला है. टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस बिल्कुल टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस क्योंकि वाई एक्सिस तो ये है ओके सो दिस वन इज ट्रू नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन वाईजक्वल टू एम एक्स प्लस ही पासिस थ्रू द ओरिजन तो ये फॉल्स है क्योंकि सिर्फ वाईज इक्वल टू एम एक्स जो है वो ओरिजन से पास करता है ये हमने एट लेंथ डिस्कशन करी थी ठीक है अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं ओरिजन क्या होता है जीरो जीरो सेटिस्फाई करेगा इसको तभी हो जाएगा ना इस पर ग्राफ इससे पास कर रहा करो रीजन से तो सेटिस्फाई करना चाहिए तो वाई को ज़ीरो डाल दो एक्स को ज़ीरो डाल दो प्लस सी तो ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू सी ठीक है तो ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा यहीं से आ गया फॉल्स राइट दूसरा इसका ग्राफ में हमें क्या पढ़ा था हमने कि y इज़ इक्वल टू अगर ये c हटा दें हम या यास्ट्रा में फॉल्स तो हमने कर दिया प्रूफ अगर ये c नहीं होता तो ये बिल्कुल सही था तो इसका क्या मतलब है वाई इज इक्वल टू एम एक्स यानी कि वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स ऐसे होते हैं ग्राफ तो ये जो लाइन है ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स की लाइन है तो ये ओरिजिन से पास करती है तो इसमें सी नहीं होता आप इसको याद रख सकते हैं एज इट इज अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है नेक्स्ट इज सैंपल क्वेश्चन टू राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन द टेबल ठीक है दी हमें कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट सम ऑफ द इक्वेशन टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वाई तो अगर इसके सॉल्यूशंस हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो एक, एक और करके चेक कर लो जैसे आप जीरो टू को चेक करेंगे तो क्या करेंगे एक्स की जगह जीरो वाई की जगह टू बिल्कुल ठीक है ये तो जीरो हो जाएगा टू इज इक्वल टू टू तो ये तो सोल्यूशन है वन फोर एक्स की जगह वन प्लस टू इज इक्वल टू फोर तो ये भी टू प्लस टू फोर बिल्कुल सोल्यूशन है टू सिक्स टू टू जर फोर प्लस सिक्स सॉरी सिक्स यानी डालना यहाँ तो टू ही है वाई की जगह सिक्स डालना तो ये हो गया सिक्स बिल्कुल कर रहा सेटिस्फाई टू एक्स की जगह थ्री प्लस टू ये एट हो गया यहाँ भी एट आ गया बिल्कुल कर रहा सेटिस्फाई टू फोर प्लस टू वाई की जगह टेन तो फोर टू एट प्लस टू टेन इज इक्वल टू टेन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है हर केस में तो दैट मीन्स ये सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये सारे सोल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के सो आंसर इज ट्रू नेक्स्ट स्टार्ट अवर एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू ओके राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई विद योर आंसर्स द पॉइंट जीरो थ्री लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस ठीक है इसकी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है उस पर क्या ये पॉइंट पड़ेगा तो अगर उस पर यह पॉइंट पड़ेगा इसके ग्राफ पे तो सोल्यूशन होगा इसका ये यानी कि इसको सेटिसफाई करेगा तो डाल के देख लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में डाल रहा हूँ एक्स ज़ीरो वाई को थ्री तो ज़ीरो हो जाएगा फाइव फोर इंटू थ्री ट्वेल्व हो जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया ये तो दैट मीन्स यस ये क्या है दिस वन इज़ ट्रू ये पॉइंट आपका इस इक्वेशन के ग्राफ पे पड़ेगा नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस पासिस थ्रू द पॉइंट दिस तो फिर से वही चीज़ है दोबारा से वही चेक करेंगे हम तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख लेते हैं पॉइंट पड़ता है कि नहीं पड़ता है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इक्वेशन को तो so, एक्स की जगह जीरो वाई की जगह सेवन तो लेफ्ट हैंड साइड में डाल रहे हैं तो सेवन इंटू फोर्टीन आ रहा है राइट हैंड साइड क्या है सेवन है सो so, ये तो सेवन के बराबर नहीं है दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट मीन्स इट डिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन तो यानी कि इसके ग्राफ पे भी ये नहीं पड़ेगा ठीक है जी तो इट विल बी फॉल्स वाई बिकॉज जीरो सेवन डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सेवन ठीक है जी नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द लीनियर इक्वेशन दिस तो ये दिया हुआ ग्राफ इसका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है अब इस पर आप देख लो इस ग्राफ पे दो पॉइंट्स दिए हुए माइनस थ्री थ्री और माइनस वन वन तो अगर ये इस ग्राफ पे पड़े इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे तो चेक कर लेते हैं तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो है तो एक्स की जगह थ्री वाई की जगह ओ सॉरी उल्टा कर दिया मैंने माइनस थ्री एक्स की जगह और वाई की जगह थ्री तो ये ज़ीरो के बराबर आ रहा है तो इक्वल टू तो राइट हैंड साइड आ गया ठीक है तो दैट तो मीन्स ये माइनस थ्री थ्री जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका ग्राफ है माइनस वन वन को भी चेक कर लेते हैं तो माइनस वन प्लस वन ये भी जीरो के बराबर आ रहा है तो टू राइट हैंड साइड है ठीक है जी तो ये दोनों पॉइंट इस पर पढ़ रहे हैं तो ये जो नीचे ग्राफ दिया हुआ दैट इज वेरी मच द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन तो ये आपका आंसर जो है ये ट्रू है नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द लिनियर इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री का ग्राफ है बिल्कुल है जब कार्टिजन प्लेन में लेंगे तो एक्स इजिकल टू थ्री का ग्राफ यही आएगा ये हमें वैसे भी आता है तो दिस इज ट्रू हमें जो आता है वही ट्रू जस्टिफाई आप करेंगे तो आप इसमें एक्स वाई ले सकते हैं एक्स प्लस ज़ीरो वाई इजिक्वल टू थ्री टू वेरिएबल्स में इक्वेशन बना सकते हैं ये ज़ीरो मल्टीप्लाई करके वाई की आप जो मर्जी वैल्यू ले लीजिए ज़ीरो वन थ्री माइनस टू एक्स ने देखो ये क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा एक्स इजिक्वल टू थ्री ही आएगा तो थ्री जीरो ये रहा री वन ये रहा थ्री थ्री रहा थ्री माइनस टू यहाँ कहीं नीचे आएगा ठीक है तो इसी लाइन पर पड़ेगी इक्वेशन तो ये ग्राफ जो है बिल्कुल एक्सेज इक्वल टू थ्री का ग्राफ है पैरेलल टू वाई एक्सेज वाला नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द टेबल ये नीचे दिए हुए हैं रिप्रेजेंट सम ऑफ द ऑफ द इक्वेशन दिस तो रिप्रेजेंट सम का आई डोंट नो क्या मतलब है इसमें कि कुछ है कुछ नहीं है आई डोंट नो फिर ट्रू फॉल्स का मतलब नहीं रह जाता तो हम सारा ही चेक कर लेते हैं तो ज़ीरो टू को आप चेक करेंगे तो क्या आएगा ज़ीरो टू को चेक करें एक्स की जगह ज़ीरो डालो वाई की जगह माइनस टू प्लस टू तो ये तो जीरो ही आ रहा है तो ये तो बिल्कुल ठीक है ये सोल्यूशन है नेक्स्ट वन थ्री को चेक करते हैं तो x की जगह वन माइनस थ्री प्लस टू तो ये माइनस टू प्लस टू ये भी ज़ीरो आ रहा है ठीक है ये भी सोल्यूशन है नेक्स्ट टू फोर को चेक करते हैं तो टू माइनस फोर प्लस टू ये भी ज़ीरो आ रहा है तो ये भी सोल्यूशन है क्योंकि टू माइनस फोर इज माइनस टू हो जाएगा प्लस टू करके ज़ीरो हो जाएगा राइट अगला थ्री माइनस फाइव सो थ्री माइनस फाइव प्लस टू इज इक्वल टू जीरो अच्छा नहीं देखो तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है ये ऑलरेडी माइनस फाइव दिया हुआ है तो एक्स माइनस वाई है तो थ्री माइनस माइनस फाइव आएगा तो इससे ये कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा थ्री प्लस फाइव प्लस टू हो जाएगा तो यानी थ्री प्लस फाइव एट प्लस टू टेन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये जो इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा है फोर सिक्स फोर माइनस सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो बिल्कुल ठीक है क्योंकि फोर माइनस सिक्स माइनस टू प्लस टू जीरो ही हो रहा है तो सिर्फ एक ये सोल्यूशन नहीं है तो अगर मैं इस सम को ले रहा हूँ कि रिप्रेजेंट सम ऑफ द सोल्यूशंस तो सम ऑफ द सोल्यूशंस तो हैं इसमें से तो ट्रू बनेगा ठीक है लेकिन अगर वो कह रहा है कि सारे ये सोल्यूशंस तो फॉल्स बनेगा और पीछे उसने फॉल्स लिखा हुआ है तो ये सम का कोई मतलब नहीं रह जाता इधर कि फॉल्स है बिकॉज थ्री माइनस फाइव जो है इज नॉट अ सल्यूशन ये इसका रीजन नेक्स्ट इज सिक्स क्वेश्चन एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स डज नॉट रिप्रजेंट अ सल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। वो कहता है कि जो हर पॉइंट है एवरी पॉइंट जो भी ग्राफ पे है लीनियर इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है ठीक है अगर मैं आपको साथ साथ यहां पर यह एक्सेस बना रहा हूँ सपोज आपके पास यह ग्राफ है यह लाइन का ग्राफ है अब इसके ऊपर एवरी पॉइंट एवरी पॉइंट का क्या मतलब है चाहे ये पॉइंट ले लो इस ग्राफ पे चाहे ये पॉइंट ले लो इस ग्राफ पे चाहे ये ले लो चाहे एक्सेस वाला पॉइंट ले लो तो हर पॉइंट जो सोल्यूशन है, है इसको सेटिस्फाई करेगा तो एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट सोल्यूशन तो गलत हो गया इट रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ठीक है हर पॉइंट पिंक वाला रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्यूशन को ऑफ द लीनियर इक्वेशन तो ये फॉल्स हो गया और रीजन क्या है every point represent the solution because every point on graph is the solution here yeah, represents the solution of linear equation done next is seventh question the graph of every linear equation in two variables need not be a line no. फॉल्स है फॉल्स क्यों है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ठीक है जी तो नीड नॉट में इसने यहां पे गड़बड़ कर दी तो फॉल्स हो गई ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सो दिस इज फॉल्स